राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या राजस्थान में 5,900 से ज़्यादा हो गई है, यानी कि करीब 6,000 को आंकड़े को ये छूने वाला है। सबसे बड़ी बात है 147 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, कई सारी लॉकडाउन के दौरान राहत भी दी है, लेकिन लोग भी अब कुछ हद तक समझदार होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सभी लोगों के साथ ये स्थिति नहीं है। कर्फ्यू वाला ये एरिया पूरा जयपुर का, जहाँ पर पिछले करीब 2 महीने से लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही कर्फ्यू हो गया था, क्योंकि रामगंज का ये कंटोनमेंट वाला इलाका था, उसके आसपास का एरिया है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, मास्क पहन के तो जा रहे हैं, लेकिन बेवजह घूमने फिरने की आदत अभी भी कई लोगों की नहीं गई है। पुलिस वाले अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कर्फ्यू से इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है इलाके में, पुलिस वाले हर गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं कि यदि गाड़ी इसी इलाके की है, इसी इलाके के लोग हैं, तो उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इनके कारण पूरे शहर में संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो यहाँ से बाकायदा इनके लाइसेंस की चेक किया जा रहा है, कर्फ्यू पास को चेक किया जा रहा है। इस दौरान जो ज़रूरी गाड़ियाँ हैं वे भी आ रही जा रही है। पुलिस वाले अपनी ओर से लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, हम भी इन्हें लगातार देख रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। 5,900 से भी ज़्यादा मामले आ जाना, और पिछले एक हफ्ते की बात करूँ तो हर रोज़ यहाँ पर 200 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, और पिछले 3 दिनों में 300 से ज़्यादा मामले पॉजिटिव कोरोना के सामने आ रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है, 338 मामले कल मंगलवार को सामने आए थे, उससे पहले राजस्थान में कोरोना का सबसे पहला रिकॉर्ड टूटा था कि इतनी तादाद में कभी मामले नहीं आए। हमेशा देखा गया था पिछले लॉकडाउन 1, 2 और 3 के दौरान कि कोरोना के जो मामले थे वह करीब 100-125 मामले ही आते थे, लेकिन अब 300 तक इनका आंकड़ा हर रोज़ का पहुंच गया है, यानी कि ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवासी आ रहे हैं, प्रवासियों के कारण यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नए नए इलाकों में आ रहे हैं। राजस्थान का 46% इलाका रेड जोन इलाका है, बहुत बड़ी बात है कि लगातार इसमें बढ़ता भी जा रहा है। कई सुरक्षित इलाकों में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। आखिरकार इन लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं, क्योंकि घर से निकलना जरूरी है, कामकाज को पटरी पे लाना जरूरी है, लेकिन समझना पड़ेगा कि इस तरह से बेवजह घूमना राजस्थान में इस संक्रमण को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा यह साबित होकर सामने आ सकता है। फिलहाल तो आम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लोग सजग रहें, सतर्क रहें, भले ही उन्हें छूट दे दी गई है, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।